हेलो दोस्तों, रेखा ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करती सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेके हाजिर हो गए हैं, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्वाद से भरी रेसिपी है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और हम बनाएंगे बासी रोटी बासी चावल की रेसिपी। तो आप जो बासी रोटी बासी चावल को यूँ फेंक देते हैं तो आप उसे वेस्ट मत करिए, आप उसे नया ताज़ा एक नई नया नाश्ता बना लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग सी रेसिपी। तो दोस्तों, बासी रोटी और बासी चावल हमने यहाँ पे लिया है, तो ये इतने से चावल बचे हुए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लीजिए। और ये चार रोटी हमारी बची हैं बासी ही। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, ये हमने बेसन लिया है, तो बेसन का एक हम घोल तैयार करेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हरी धनिया, और ये थोड़ी सी, तो यहाँ पे ये जो हमने लाल मिर्ची लिया है, तो ये हमारी जो फ्रिज में पड़ी होती हैं सूख, तो ये जो फ्रिज में लाल मिर्ची सूख जाती हैं, तो हमने ये मिर्ची को काट लिया है। ये भी मिर्ची यूज करेंगे, तो इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये मिर्ची हम डालेंगे इसी बेसन में, तो इसे हम डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा लाल मिर्ची नहीं डालेंगे। और धनिया तो हमने पहले डाल दिया था, नमक भी डाल दिए। अब इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करना है, तो हमें इस तरीके से इसका घोल तैयार कर लेना है। इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया, हल्की सी लाल मिर्ची। अब इसे थोड़ा सा और हम पतला करेंगे, ज़्यादा हमारा ये जो है बेसन पतला गाढ़ा है, ऐसे हम पतला कर लेंगे, इसे फेंट लेंगे। तो अब ये हमारा ये ऐसे पतला सा बैटर बन गया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। ये चावल लेना है, चावल इस बड़े बॉल में डाल लेना है, और इसको थोड़ा सा हम हाथ से मसल देंगे, क्योंकि ये चावल जो है बासी हैं, तो बिखरे बिखरे हैं, तो मसल देने से ये थोड़ा सा मिल जाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारा जो चावल है सूखा है। आप चाहे तो इसे मिक्सी ग्राइंड में कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे मसल देने से ये हो जाएंगे। तो मैं एक गिलास की मदद से इसे इसको मसल दूँगी। तो ये चावल को हमने देखिए इस तरीके से पीस लिया है गिलास की मदद से। और ये इसमें हम थोड़ा से आलू डालेंगे, तो आलू को भी इसमें ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हमको क्या करना है, इसमें हमें हरा धनिया डाल देना है, और ये जो हरी लाल मिर्ची हमने सूखी काटी थी इसे भी डाल देंगे। यहाँ पे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। अब इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। हमने सारा मसाला जो है मिला लिया, अब थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे, इसे भी मिला देंगे। और ये मिल गया जीरा हमारा सारा अच्छे से। अब हम रोटी काटेंगे। तो दोस्तों, अब हम ये रोटी काटेंगे इस गिलास की मदद से। आपके पास ऐसे ही गिलास हो तो ऐसे ही काट लीजिए, या कटोरी वैसी छोटी सी हो तो ऐसे छोटे छोटे सर्कल से रोटी काट लेना है। तो इसी तरीके से सारी रोटी हम काट लेंगे। तो ये रोटी जो है हम ये निकाल लेंगे, ये रोटियों को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इन्हें भी हम ज़रूरत में लगाएंगे। तो इस तरीके से ये रोटी हम सारी निकाल लिए हैं। ये जो रोटी हमारी जो फूली होती है, ये इसका भी हम आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, ये हमने रोटी ऐसे सर्कल के जैसे काट लिया है, और ये जो रोटी हमारी बची हुई है, इन्हें हम थोड़ा सा ऐसे बारीक से मिल देंगे इस तरीके से, हाथ से मसल लेंगे। ले लीजिए दोस्तों, हमने रोटियों को इस तरीके से तोड़ दिया है। अब इसे हम पानी में थोड़ा सा भिगा के रख देंगे। भिगा दिया है रोटी को, और ये जो रोटी हमने सर्कल से काटा है, तो इसे थोड़ा सा हम ऐसे ये काटे की चम्मच से ऐसे छेद कर लेंगे, ताकि जो हमारी जो रोटी है, ये इसके छिले निकले हुए हैं, तो ये अंदर फूलेंगी नहीं, और इसमें इस तरीके से
फोल्ड करके रख देंगे। तो अभी रोटी को हम क्या करेंगे, जो हमने चावल और आलू का ये पेस्ट बनाया है इसमें ऐसे लगा देंगे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके। और दोस्तों बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बासी खाना ऐसे बचे तो इसी तरीके से बना लीजिए। और ये जो हमने बेसन का घोल बनाया है इसमें इस तरीके से और इस तरीके से इसे लगा देंगे ऐसे। तो इसमें अब हमारा कढ़ाई जो है तेल गरम है, इसमें हमने डाल दिया। तो दोस्तों देखिए इनको हम इस तरीके से पलटा देंगे और ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे, धीमी आंच में पकाएंगे। तो हमारी जो ये बासी रोटी की रेसिपी कितने अच्छे बन के हमारे, ये देखिए। तो ये लीजिए दोस्तों हमारी ये चावल और रोटी की अच्छी टेस्टी नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो ये जैसे रोटी फूली हुई तो इसमें हम थोड़ा सा ये गीला जो बेसन लगा देंगे, फिर इसे ऐसे बंद कर देंगे और इसमें इस तरीके से इसके ऊपर से फिर ये चावल और आलू का जो हमने ये बनाया है पेस्ट इसमें ऐसे डुबा के इस तरीके से। तो हमारे जो रोटी के हमने सर्कल से बनाए थे वो हमारे बन गए हैं। अब यहाँ पे ये पक गया है, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए सारे ये हमारे बन गए हैं। तो भिगा के पानी में रखा था, ये हमारी रोटी अच्छी से फूल गई है। अब इसके भी हम बना ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जैसे हमने बना लिया है इसको, एक इसका भी एक सर्कल का ही रूप देंगे इस तरीके का। रोटी से बोल से बना लेंगे, फिर चौड़ी सी कर देंगे और इसमें ये इसी तरीके से जैसे हमने पहले उसे बनाया था उसी तरीके से इसमें ऐसे चावल और आलू जो हमने ये बनाया है इसमें ऐसे लगा देंगे। और ये बेसन जो है इस बेसन में इस तरीके से डुबा देंगे ऐसे, और इसे भी कढ़ाई में हम डाल के पका लेंगे। तो हमारी बासी चावल की रेसिपी बन गई है। कैसी लगी दोस्तों? तो ये हमने जो रोटी जो टूटी हुई थी उसकी हमने ये बनाई है, और ये जो सर्कल से रोटी काट के बनाए थे तो ये उसकी है। तो दोस्तों देखिए हम आपको चाहे तो बीच में से काट के इस तरीके से तोड़ के दिखा रहे हैं। तो देखिए ये चावल और ये बीच में रोटी, तो कैसी लगी वो दोस्तों? आप ऐसे ही चावल और रोटी को ऐसे बासी बच जाए तो ऐसे बर्बाद होने मत दीजिए, ऐसे ही रेसिपी बना लीजिए जैसे हमने बनाया है। बनाना भी बहुत ही आसान है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर कोई गलती हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हमारी क्या गलती है। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।